नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि किसान कर्ज माफ़ी का इंतज़ार कर रहे किसानों के लिए हाल ही की एक दूसरी नई खबर आई है। वे सभी किसान भाई जिन्होंने किसी भी बैंक से केसीसी कार्ड के जरिए लोन ले रखा है, वो इस वीडियो को एक बार पूरा जान लीजिए। दोस्तों, प्रदेश में निकाय के चुनाव अब नज़दीक आ चुके हैं, जिसको देखते हुए कांग्रेस सरकार तैयारी कर रही है किसान कर्ज माफ़ी की। राष्ट्रीयकृत बैंकों के 2 लाख लघु व सीमांत किसानों को 2634 करोड़ रुपए के कर्ज माफी में सरकार तैयार हो चुकी है। दोस्तों, इतना ही नहीं, हम आपको बताना चाहेंगे कि सहकारी बैंकों के 20 लाख किसानों को 7800 करोड़ पहले चरण में माफ़ हो चुके हैं। लेकिन बात ये आती है कि प्रदेश में निकाय चुनावों को देखते हुए कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के 30 लाख ऋणी किसानों में से 2 लाख लघु व सीमांत किसानों के कर्ज माफ करने की जो तैयारी है उसमें जुट चुकी है। इसके लिए कर्ज माफी के नए मॉडल पर काम शुरू हो गया है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि नए मॉडल के तहत कर्ज माफी में शामिल 2 लाख किसानों में 74155 सीमांत व 1.31 लाख लघु किसान हैं। इन पर 2634 करोड़ रुपए का फसली लोन बकाया है। ये ऋण NPA की श्रेणी में आता है। कांग्रेस ने विधानसभा व लोकसभा चुनाव में किसानों की संपूर्ण कर्ज माफ़ी का वादा किया था। इसी वादा के साथ सत्ता में गहलोत सरकार ने इससे पहले सहकारी बैंकों के करीब 20 लाख किसानों के कर्ज माफ़ कर चुकी है। तो दोस्तों, आप यहां देख सकते हैं सीमांत किसानों की संख्या, लघु किसान व अन्य किसानों के आंकड़े यहां आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि दोस्तों, राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋणी किसानों की कर्ज माफ़ी के लिए सरकार ने 3 मॉडल तैयार किए हैं। ये 3 मॉडल आप देखिए कौन कौन से हैं। पहला मॉडल 40:60 का होगा। सरकार कुल बकाया कर्ज का 40% वहन करेगी, शेष से जो 60% है वो राशि बैंक को वहन करनी होगी। दूसरा मॉडल आप देखिए 50:50 अनुपात का है। इस मॉडल के तहत राज्य सरकार और बैंक किसानों पर बकाया राशि में 50-50% खुद वहन करेगी। अगर इस मॉडल को लागू किया जाता है तो सरकार पे 2791.03 करोड़ रुपए व इतनी ही राशि का भार बैंकों पर भी आएगा। तीसरे मॉडल की बात करें तो दोस्तों है ये 60:40 का। इसमें सरकार कुल बकाया कर्ज का 60% वहन करेगी, शेष 40% राशि बैंकों को वहन करनी होगी। इस मॉडल को लागू किया जाता है तो सरकार पे 3349.24 करोड़ व बैंकों पे 2232.82 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। अगर इस तरीके से आप देख सकते हैं 3 मॉडल से सरकार किसानों का कर्ज माफ़ कर सकती है और ये वित्तीय भार भी दिखाया गया है। दोस्तों, किसानों का कहना है कि हमारा कर्ज माफ़ किया जाए, चाहे किसी भी तरीके से कोई भी मॉडल अपनाया जाए, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने लोकसभा विधानसभा चुनाव में घोषणा की थी कि हमारी सरकार आने पर हम किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ़ करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और ये हाल ही की ताज़ा खबर है, जिन किसानों का अभी तक कर्ज माफ़ नहीं हुआ है उनका जल्दी कर्ज माफ़ होगा। 20 लाख किसानों का 7800 करोड़ ऋण माफ़ हो चुके हैं। यहाँ आप न्यूज़ के माध्यम से जानिए। और 70,000 करोड़ से ज़्यादा कर्ज है किसानों पर राष्ट्रीयकृत व सहकारी बैंकों का। 50 लाख कर्जदार किसान सभी बैंकों के हैं, उन किसानों का कर्ज माफ़ होगा। आप स्पष्ट हेडलाइंस के माध्यम से देख सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो लाल रंग के सब्सक्राइब और घंटे वाले बटन को ज़रूर दबाएं।